दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसे सामान्य से नियम जिनका अगर रेगुलर आप अपनी डेली लाइफ में उनका पालन करेंगे, उन 10 नियमों का अगर आप पालन करोगे तो आप पूर्ण स्वस्थ रह सकते हो। कुछ कठिन नियम नहीं है, बहुत सामान्य से नियम है, थोड़ा सा आप अपनी डेली लाइफ में उनको चेंज करना है और आप आसानी से स्वस्थ रह सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवेश कुमार, आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, नियमों का जिक्र करूं उससे पहले मैं आप चीज एक चीज समझा देता हूं कि हमारी बॉडी और प्रकृति दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, हम प्रकृति का एक हिस्सा हैं। अगर हम उसको अपने आप से अलग समझते हैं, प्रकृति से हम अपने आप को अलग समझते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो प्रकृति का अपना एक शेड्यूल है, प्रकृति की अपनी एक ऋतुचर्या है, प्रकृति का सूर्य अस्त और उदय होने का एक समय है, दिन का एक टाइम है, रात्रि का एक टाइम है और हर समय वो परिवर्तनशील है। उसी के अनुसार हमारी जीवन शैली भी परिवर्तनशील होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हम अगर अपनी जीवन शैली को रखेंगे तो हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। अगर उसमें हम चेंजमेंट करें तो उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो मैं जितने भी नियम बताऊंगा वो नियम सिर्फ आपको प्रकृति के साथ लेके चलने के हैं, ना कि उसके विरोध में। तो सबसे पहले ये समझ लें कि हम प्रकृति का एक हिस्सा है, वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, हम खुद भी नेचर हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो है सूर्य उदय से पहले आप उठ जाएं। सूर्योदय से पहले उठने के बाद सबसे पहला जो आपको काम करना है वो उषापान। उषापान में आपको पानी पीना है 1.5 से 2 गिलास। अब वात, पित्त और कफ, ये तीन प्रकृतियां होती हैं, तीनों के अनुसार पानी की उष्णता बदल जाएगी। जो लोग कफ प्रकृति के हैं वो गर्म पानी पिए, जो वात प्रकृति के हैं वो हल्का गुनगुना पानी पिए और जो पित्त प्रकृति के हैं वो सामान्य स्तर का पानी पी सकते हैं, सामान्य उष्णता का पानी पी सकते हैं। उसके बाद शौचादि से निवृत्त होने के बाद जो सबसे पहला आपको काम करना है वो है कुछ थोड़ी देर फिजिकल एक्टिविटीज करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें, थोड़ा सा ध्यान करें। इससे क्या है कि आपकी बॉडी की एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपकी जो बॉडी की न्यूट्रिशन सप्लाई है वो प्रॉपर होगी। इससे आपकी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छे से वर्क करेगी और आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा, स्ट्रेस हार्मोन लेवल कम होगा और पूरे दिन के लिए आपको ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद आप स्नान करें। स्नान करते समय कुछ नियमों का ध्यान रखें कि आप बहुत अधिक ठंडा या बहुत अधिक गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, आप सामान्य स्तर के पानी का इस्तेमाल करें जो आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो। कुछ लोग बहुत ठंडे से, कुछ लोग योगी बनने के साधक बनने के चक्कर में बहुत ठंडे पानी से नहाते हैं, कुछ लोग बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, दोनों स्थितियां गलत हैं। आप बिल्कुल सामान्य स्तर के पानी के से नहाएं जो आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो। उसके बाद आप स्नान करने के उपरांत बॉडी को अच्छे से रब करके पोंछें एक ऐसे टॉवल से जो खुरदरा हो थोड़ा, क्योंकि उससे आपके रोम छिद्र खुलते हैं, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे आपकी जो स्किन है उसके ऊपर चमक आती है, स्किन की जो डेड सेल्स हैं वो बॉडी से बाहर निकलती हैं। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करें, खाना खाएं, ब्रेकफास्ट को हल्का ना लें, ब्रेकफास्ट पूर्ण होना चाहिए आपका, कंप्लीट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के अंदर एक नियम का ध्यान रखें कि आप सिट्रिक चीज़ें ना खाएं, बहुत खट्टी मीठी या फिर बहुत तीखी, इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि आपको सुबह के नाश्ते के समय कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाएगा, आप उसको देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको सुबह के समय कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उसके बाद आप दिन में जब भी आप खाना खाते हैं तो नियम का ध्यान रखें कि बहुत अधिक भूख से ज़्यादा ना खाएं, आप अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं, क्योंकि पेट अगर थोड़ा खाली रहेगा तो पाचन होने में उसके आसानी होती है। उसके बाद आप जब दोपहर का खाना खाते हैं तो वो सुबह के खाने से थोड़ा कम होना चाहिए और शाम का खाना सबसे आप हल्का लें, और खाना खाने के कम से कम आधा घंटा पहले और खाना खाने के कम से कम आधा घंटा बाद तक आप पानी ना पिए, क्योंकि इससे आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, पाचन क्रिया में बाधा पड़ती है और आप अपने शरीर को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए उन चीज़ों का सेवन अधिक करें जो आपको आसानी से डाइजेस्ट होती हैं, आसानी से पचती हैं। उन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दें जिन चीज़ों से आपको डाइजेशन होने में जिनसे प्रॉब्लम होती है। खाना खाने से पहले बिल्कुल मन आपका बिल्कुल शांत होना चाहिए, बिल्कुल भी विचलित मन के साथ, गुस्से में, बिल्कुल स्ट्रेस में, तनाव में, इरिटेट होकर खाना ना खाएं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि गुस्से की स्थिति में खाना खा लेते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर वो विपरीत प्रभाव डालता है। तो कभी भी ऐसी अगर आपकी कंडीशन हो तो पहले, सबसे पहले शांत हो, बैठे, नहाएं, धोएं, जो भी आपको एक्टिविटी करनी है जिससे आप शांत हो सकते हैं, शांत हो उसके बाद आप खाना खाएं। उसके बाद अगले रूल की तरफ बढ़ूं दोस्तों, तो वो है पानी।
पानी आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पूरे दिन के अंदर पीना है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। वाटर के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप उसको डिटेल में समझना चाहते हो कितना इंपॉर्टेंट है तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप देखना उसको जरूर। पानी हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा तत्व, जो बॉडी हमारी पंच तत्वों से बनी है उसमें पानी वाटर जो है वो सबसे ज्यादा है। अगर हम पानी का सेवन सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर पड़ता है, हार्ट के ऊपर, लीवर के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, क्योंकि ये जितने भी मेन फंक्शनिंग पार्ट्स हैं ये सबसे ज़्यादा पानी से बने हुए हैं। तो अगर पानी का इस्तेमाल आप सही तरीके से नहीं करोगे, पानी का यूज़ सही तरीके से नहीं करोगे तो आपकी बॉडी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, अगर आपकी बॉडी में 1 से 2% पानी का लेवल भी कम हो जाए, आपको जितना पानी पीना चाहिए उससे 1 से 2% लेवल भी अगर बॉडी में पानी का लेवल कम हो जाए तो आपका मूड खराब हो सकता है। आप कभी कभी देखते हो कि आपका बहुत इरिटेटिंग मूड रहता है, उस समय आप एक चीज़ आजमा के देखना कि आप 1 से 2 गिलास पानी पीना और थोड़ी देर बैठना, आपका मूड तुरंत इम्प्रूव हो जाएगा। ये आजमाई हुई टेक्निक है, आप इसको आजमा के देखें तो पानी का लेवल हमेशा हाई रखें। नेक्स्ट रूल की बात करूँ तो दोस्तों, आप रेगुलरली पूरे दिन में अपने भोजन में कोई भी मौसमी फल या सब्जी जरूर ऐड करें। इससे क्या है कि आपकी विटामिन्स की, क्योंकि हम जो डाइट खाते हैं सामान्य तौर पे उसमें पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है, इसलिए कोई भी ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल जरूर खाएं जो मौसमी हो और आप रेगुलरली उसको पूरे दिन में एक बार जरूर खाएं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो जहां तक संभव हो सके दोस्तों बाहर के खाने को बिल्कुल अवॉइड करें। फूड प्रोडक्ट्स जो बाहर बनते हैं, ठेलों पे लोग खड़े होकर खाते हैं, बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, जहाँ तक संभव हो सके उसको अवॉइड करें, क्योंकि घर का खाना ही आपके लिए उचित है। बाहर खाना कैसे बनता है, किन स्थितियों में बनता है आप नहीं जानते हैं, तो उस खाने को बिल्कुल अवॉइड करें, उस खाने को बिल्कुल ना खाएं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपनी फैमिली के साथ में थोड़ा टाइम जरूर स्पेंड करें। पूरे दिन में आप कुछ समय ऐसा निकालें जब आप अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करें, ये आपके इमोशनल हेल्थ को, आपकी भावनात्मक हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपको मानसिक रूप से स्टेबल बनाता है। अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी वाइफ के साथ आप थोड़ा टाइम जरूर स्पेंड करें, क्योंकि उससे आप, क्योंकि जिन व्यक्तियों के साथ आप गहरे से जुड़े होते हो उन्हीं के साथ ही आप भावनात्मक रूप से खुल के बात कर सकते हो। तो इसलिए अपनी फैमिली के साथ जरूर टाइम स्पेंड करें, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा और आपकी इमोशनल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल की अगर मैं बात करूँ तो वो है, रात को खाना खाने के बाद तुरंत बेड पे ना जाएं, सोएं ना। खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद आपको सोना है और खाना खाने के तुरंत बाद आपको बैठना भी नहीं है। आप खाना खाने के तुरंत बाद कुछ कदम चलें, कम से कम 100 कदम जरूर चलें और थोड़ा टहलें। उस दौरान आप बिल्कुल शांत होके घूम सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन बैठे ना, क्योंकि इससे आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि खाना खाते ही तुरंत अगर आप लेट गए तो इसे खाने का डाइजेशन नहीं होगा, इससे आपके बॉडी में फैट बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म रेट कम होगी और बॉडी में लेजीनेस आएगी, टॉक्सिन्स पैदा होंगे। दोस्तों लास्ट रूल की बात करूं तो वो है, आप सोने से पहले 5 मिनट का मेडिटेशन करें। इसको आप खेल की तरह लें, आप सामान्य केवल शांत स्थिर होके मोबाइल को दूर रख के शांत बिल्कुल होके कमर सीधी करके बैठ जाएं। आप लेट के भी कर सकते हैं इसको, और सामान्य अपनी आंखें बंद करें और सामान्य अपनी आती और जाती हुई श्वास के ऊपर आपको ध्यान देना है, सिर्फ उसको देखना है, आती और जाती हुई श्वास को सिर्फ देखने का प्रयत्न करें। इतना भर करने से आपका मन बिल्कुल शांत होगा, दिन की जितनी भी स्ट्रेस गतिविधियाँ, जितना भी आपने दिन में स्ट्रेस लिया, तनाव लिया, जितनी भी दिन की जो दिमाग में प्रोसेसिंग है, जितने भी विचार हैं, थॉट्स हैं, वो सब बाहर निकल जाएंगे और आप बिल्कुल शांत और स्थिर होके सो पाएंगे। क्योंकि एक अच्छी नींद आपका अगला अच्छा दिन बना सकती है। अगर आप एक अच्छी नींद नहीं लेते हो तो आपका अगला दिन बिगड़ना स्वाभाविक है। तो आप अच्छी नींद लें, इसके लिए आप मेडिटेशन 5 मिनट का जरूर करें। इससे आपके थॉट्स कम होंगे, आपको नींद अच्छी आएगी और आपकी मेमोरी पावर ग्रो होगी, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होंगी। और कम से कम आप 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि नींद कम लेने से भी बहुत सारी डिजीज होती हैं। इसके ऊपर भी, नींद के ऊपर भी मैंने एक बार डिटेल से आपको समझाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप जरूर देखें उस वीडियो को, कि नींद कम लेने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी बॉडी में, ब्रेन पे, हार्ट पे, पूरी ऑल ओवर बॉडी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालती है नींद अच्छी ना आना। तो नींद अच्छी आए और कम से कम 7 से 8 घंटा आप सोएं, इससे आपकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ती है। और सोने से पहले कम से कम अपने रूम में अगर मोबाइल रखते हैं तो उसको फ्लाइट मोड पे लगाएं, और अगर आपको ऑन रखना है मोबाइल को तो अपने बेड से काफ़ी दूर रखें। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपके ब्रेन के ऊपर, जो रेगुलरली पूरे नाइट
जो मोबाइल की रेडिएशंस का प्रभाव पड़ता है उससे आप फ्री रहेंगे। इससे आपके बॉडी की फंक्शनिंग के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, अगर आप इसको दूर रख देंगे तो आपको बहुत फायदा है। तो आज की वीडियो में यही था दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो और अगर आप पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो हिट द बेल आइकन, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।